बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही प्यारे भूरे वाला की बहनों और बेटियों और बच्चों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। बड़े जोश से आपने वालेकुम सलाम कहा है। मैंने सलाम किया, आपने बड़े जोश से जवाब दिया है और उतने जोश से जोश खरोश से नवाज शरीफ आपको पूछ रहा है, बुरे वाला के भाइयों बहनों क्या हाल है, कितने सालों के बाद आज मिल रहे हैं, कितने सालों बाद आज मिल रहे हैं बताओ। उदास हो गए थे, मुझसे ज्यादा उदास हो गए थे, मैं ज्यादा उदास हो गया था। आपको इतने साल मैं नहीं मिला, मैं बड़ा उदास हो गया था, यकीन मारो बहुत उदास हो गया था। और आज उतना ही खुश हूं कि आज फिर मैं आपके सामने खड़ा हूं। माशाल्लाह, क्या जोश क्या जज्बा है। इस जज्बे को सलाम सलाम। और मैं समझता हूं कि बहुत कुछ बदल गया। नवाज शरीफ जब यहां पे वजीर आजम था, और वो वक्त याद करो और आज का वक्त देखो, कितना फर्क आ गया है, कितना फर्क आ गया है। और यहां भूरे वाला के लोग हैं जिसमें शहरी भी हैं, किसान भी हैं, नौजवान भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ माशाल्लाह ये खवातीन और बच्चियां बैठी हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। सलाम, मैं समझता हूं कि इतना वक्त बदल गया, वो वक्त याद आता है मुझे भी और पाकिस्तानी कौम को भी, जब रोटी 4 रुपए में मिलती थी, 4 रुपए में। जिया नवाज शरीफ। याद है या नहीं याद है, 2017 में रोटी कितने की मिलती थी, 4 रुपए की, और आज कितने की मिलती है। ये है तब्दीली, ये है तब्दीली। आज 20 रुपए की रोटी मिलती है या 25 की मिलती है, 25 की। कितने अफसोस और कितने दुख की बात है, इस तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। और मुझे बताओ, आज बिजली घर में आती है या नहीं आती है। लोड शेडिंग तो हमने खत्म कर दी थी और बिजली सस्ती कर दी थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जो बिल 500 रुपए आता था महीने का, 500 रुपए, आज वो बिल 20,000 रुपए का आता है, 20,000 रुपए का। यह है तब्दीली। गैस आती है या नहीं आती है, देखो बात सुनो, ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में, ठीक है या नहीं ठीक है बोलो। नवाज शरीफ का दौर याद आता है या नहीं आता बोलो, जिनको याद आता है वो हाथ खड़ा करके बताएं, नीचे करो हाथ, जिनको नहीं आता वो भी हाथ खड़ा करके बताएं।
देख लो साजिद मेहदी साहब, देख लो चौधरी नजीर साहब, नवाज शरीफ की खिदमतें इस कौम ने याद रखी हुई हैं। और नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी और इंशाल्लाह रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे, चीनी की कीमत सस्ती होगी इंशाल्लाह और गैस घर घर मिलेगी इंशाल्लाह। और मैं आपसे बिल्कुल ये बात सच कहने लगा हूं, सच सुनो गौर से, यहाँ नौजवान भी खड़े हैं, जरा नौजवान हाथ खड़ा करके बताएं कितने हैं नौजवान, ये तो सारा जलसा ही नौजवानों का है। वाह 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 वाह, नौजवानों जरा मुझे बताओ, क्योंकि मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, प्यार आपसे मोहब्बत करता हूं, मुझे नौजवानों बताओ कितने नौजवान यहां मौजूद है जो उनके जिनके पास रोजगार नहीं है, हाथ खड़ा करो, जिनके पास रोजगार नहीं है हाथ खड़ा करो। बड़े अफसोस की बात है कि रोजगार तक नहीं है, और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना खत्म की जाती, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती, अगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत ना खड़ी की जाती, खत्म की जाती, आज यहाँ पर कोई शख्स कोई नौजवान बेरोजगार ना होता, हर एक के पास रोजगार होता, हर एक के पास एक अच्छी नौकरी होती, हर एक के पास एक अच्छा कारोबार होता, हर घर खुशहाल होता, रोशनी के चिराग जल रहे होते। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, गलत बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो के मुझे आपके साथ करनी चाहिए। यह है तब्दीली कि आज भी पाकिस्तान के इस बुरे वाला शहर के अंदर इतने लोग बेरोजगार हैं। आज तो पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए थी, बुरे वाला से बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पे कुल्हाड़ा मारा है, ज्यादती की है। देखो ये मोटरवे बन रही थी, मोटरवे बन, अब आजकल आप जब लाहौर जाते हो तो कौन से रास्ते से जाते हो, मोटरवे पे सफर करते हो या नहीं करते, बोलो। ये आपके लिए मोटरवे बनाई है, अपनी जात के लिए नहीं बनाई, आपके लिए बनाई है। और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इंशाल्लाह एक मोटरवे यहाँ से बुरे वाला से भी गुजरेगी इंशाल्लाह। यहाँ कितने लोग हैं, कितने किसान बैठे हैं, जरा किसान हाथ खड़ा करे, किसान, वाह माशाल्लाह, किसान भाइयों जरा बता दो मुझे, आज यूरिया कितने का मिलता है, यूरिया कितने का मिलता है जरा बताओ मुझे। हमारे दौर में यूरिया जो है वो 1200 रुपए का था, 1200 रुपए का, और आज 5000 का है ना यूरिया, 5000 का। ये है तब्दीली, तब्दीली का नतीजा। और डीएपी कितने की मिलती थी हमारे दौर में, बोलो, हमारे दौर में डीएपी का जो रेट था वो 2400 रुपया था, 2400 रुपया, और आज कितने का मिलता है, 14000, 13000, 14000, कभी 15000, और पता नहीं मिलता भी है या नहीं मिलता। हमारे दौर में 2400 रुपए था। ये है तब्दीली का नतीजा, तब्दीली का सुन लिया आपने या नहीं सुना ये। और ट्रैक्टर नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर 9 लाख रुपए का था, 9 लाख रुपए का, आज कितने का है बोलो, आज 38 लाख रुपए का ट्रैक्टर मिलता है, 38 लाख रुपए का। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है, ये पाकिस्तान को इन्होंने कहां पहुंचा दिया है,
इंशाल्लाह आपकी मदद से फिर वापस लाएंगे पाकिस्तान को, हम महंगाई से फिर वापस लाएंगे, बेरोजगारी से फिर वापस लाएंगे और पाकिस्तान के हालात को इंशाल्लाह इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में अल्लाह ताला के फजल करम से एक बेहतरीन रोजगार होगा। और यहाँ पर मोटरवे जैसे मैंने कहा बनाएंगे, हाईवे बनेंगी, एक तरफ से हाईवे बनेगी एक तरफ से मोटरवे बनेगी, और ऐन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि इस इलाके में एक बेहतरीन एयरपोर्ट भी बना दिया जाए। ओ भाई, यहाँ पे मेरे दोस्त खड़े हैं, ये साजिद मेहदी साहब खड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान है, हमारा साथ दिया बिल्कुल, चौधरी नजीर अहमद अराई मेरे बड़े पुराने साथी हैं, ये 1985 से मेरे साथी हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं। तमीना दौलताना आई हुई है यहाँ पर, ये बार बार कह रही है कि एक मेडिकल कॉलेज दे दिया जाए विहाड़ी को। अगर तमीना दौलताना साहब अगर आप कामयाब हो गई तो एक मेडिकल कॉलेज दे देंगे इंशाल्लाह आपको, लेकिन आपने कामयाब होना है, आपने कामयाब होना है इंशाल्लाह। मनेश साहब भी यहाँ मौजूद है हमारे भाई, ये भी 1985 से मेरे साथी हैं, बड़े पुराने साथी हैं। खालिद डोगर साहब मौजूद हैं, यूसुफ कसेलिया साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इरफान दौलताना साहब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ आगे आओ इरफान दौलताना, इरफान दौलताना अगर आगे आओ, हमारा पहलवान है इरफान दौलताना। ये खालिद डोगर साहब हैं जी, खालिद डोगर अभी आपसे मुखातिब थे। और नाम लिया है जी, नाम लिया है, और तो बातें मैं आपसे नहीं करता। अगर इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून सीट जीतेगी यहाँ पे, ये इलेक्शन जीतेगी, हुकूमत बनाएगी, तो नवाज शरीफ इंशाल्लाह फिर बुरे वाला आएगा। और मेरा ख्याल है जैसे कि इन्होंने कहा, और आपकी बड़ी ख्वाहिश है, मुझे पता है कि यहाँ पर काफी लंबी लिस्ट है कि यहाँ बुरे वाला के लिए ये काम होने चाहिए, तो भाई मैं तो एक इंशाल्लाह आपकी खुशहाली की बात करता हूँ, खुशहाली की बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करने वाला, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसके फजल व करम से हम पूरी मेहनत करेंगे, दोबारा वो अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ आपकी बहुत शदीद ख्वाहिश पे नवाज शरीफ कह रहा है कि इंशाल्लाह बुरे वाला को जिला भी बनाया जाए। मैं मरियम नवाज शरीफ को मैं दावत दे रहा हूं कि वो आए, बाप बेटी को दावत दे रहा है कि वो आए और आपसे बात करें।